हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आपका फिर से स्वागत है मेरे निशा किचन चैनल में। आज मैं आपके सामने हम सबके फेवरेट पंजाबी राजमा मसाला या पंजाबी राजमा करी की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे आप पराठे, रोटी या नान पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। और वैसे राजमा चावल साथ में हो तो किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो झटपट करते हैं हमेशा की तरह, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से राजमा बनाना। राजमा मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम राजमा। इसे मैंने ओवरनाइट भीगने दिया है। ये बहुत ही सख्त होता है, इसे 10 से 12 घंटे के लिए आप ज़रूर खुलाएँ। मार्केट में अलग अलग क्वालिटी के राजमा मिलता है और आप किसी भी क्वालिटी का राजमा ले सकते हैं। और लेकिन हाँ, राजमा ज़्यादा से ज़्यादा पुराना ना लें, क्योंकि पुराना राजमा जल्दी नहीं फूलता है। और सबसे पहले हम इनको पानी से अच्छे से वॉश करके इनको हम बाहर निकालेंगे एक प्लेट में। इसी तरीके से हम सारे राजमा को प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम लेंगे यहाँ प्रेशर कुकर और जो हम वॉश करे हुए राजमा हैं इनको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब डालेंगे हम पानी और थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। और जितने हमारे राजमा हों उनसे एक इंच ऊपर हमें पानी रखना है बॉईल करने के लिए। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक, प्रेशर कुकर को करेंगे हम बंद। गैस पे हम रख देंगे कुकर को और गैस का फ्लेम मैंने रखा है हाई और 3 से 4 सीटी लगने तक हम इनका वेट करेंगे। तो प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी लग चुकी हैं। अब हम इन ढक्कन खोल के देखेंगे कि हमारे राजमा अच्छे से गले हैं कि नहीं। तो राजमा हमारे अच्छे से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। गैस पर रख दी मैंने कढ़ाई, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तो सरसों का हमने तेल डाल दिया है तो इसको हम गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर लिया है मैंने जीरा एक छोटी चम्मच और दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च इसमें डाल देंगे हम। खड़े मसालों को हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अब खड़े मसाले अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम तेज़पत्ता। तेज़पत्ता मैंने तोड़ के डाले हैं, आप साबुत तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम प्याज। प्याज मैंने 2 ली थी मीडियम साइज़ की, उनको बारीक काट लिया है। आप लंबी प्याज भी काट कर डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। अब प्याज को हम चलाएंगे और हमको प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। मैंने 3 हरी मिर्च ली हैं, इनको मैंने लंबा काट लिया है। अब मिर्च को भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। एक बार इन्हें हम फिर से चलाएंगे। प्याज और मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसमें डालेंगे हम टमाटर प्यूरी। मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको पहले बॉईल किया था, उसके बाद उसकी स्किन हटाई थी और उसके बाद मिक्सी में डालकर उनका मैंने एक फाइन पेस्ट तैयार किया है। हम इनको 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनने देंगे।
अब इनको हम चलाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये टमाटर प्यूरी हमारी भुन चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। पहले डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर 3 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 4 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 3 छोटी चम्मच, अमचूर पाउडर 2 छोटी चम्मच और डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच नमक और मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार मसाले को हम फिर से चलाएंगे जिससे ये कढ़ाई में चिपके ना। और इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। अब हमारा मसाला पक चुका है तो इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारे बॉईल करे हुए राजमा हैं, उनको हम मसाले के अंदर डाल देंगे। तो इनको हम मसाले के अंदर डाल रहे हैं थोड़े थोड़े करके। सारे राजमा को हम मसालों के अंदर ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अभी हमें ग्रेवी थोड़ी कम लग रही है तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा और पानी। अच्छे से चलाएंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ग्रेवी थिक रखनी है तो आप कम पानी डालें। राजमा को ढककर पकाएंगे हम हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं तो हम ढक्कन हटाकर देखेंगे कि हमारे राजमा में अच्छे से बॉईल आ रहा है और चलाएंगे इसको हम। तो ये अच्छे से पक चुके हैं तो इसके अंदर ऐड करेंगे हम कसूरी मेथी 1 चम्मच और कसूरी मेथी का इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ऐड करेंगे हम गरम मसाला 1 छोटी चम्मच। कसूरी मेथी और गरम मसाले को हम राजमा के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको चलाते हुए हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 1 मिनट हो चुकी है, हमारे राजमा बनकर तैयार हैं। अब निकालेंगे हम इन्हें सर्विंग बाउल में। राजमा मसाला बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं तो हमने यहाँ पे सर्विंग बाउल लिया है, उसके अंदर सर्व करेंगे। हमारे गर्मा गर्म राजमा मसाला खाने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि मेरे राजमा मसाला बनाए हुए आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरे बनाए हुए राजमा मसाला पसंद आए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे बनाए हुए राजमा मसाला कैसे लगे। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।